राजधानी भोपाल में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब तक डेंगू के 200 मरीज मिल चुके हैं। नगर निगम प्रशासन लगातार दवाई का छिड़काव कर रहा है। महापौर मालती राय ने बताया कि ज़्यादातर डेंगू के मच्छर कूलर के पानी और पानी की टंकियों में पनप रहे हैं और जहां से शिकायत आ रही है वहां दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। मालती राय ने सभी भोपाल वासियों से अपील की है कि पानी अपने घरों में इकट्ठा न होने दें। पूरे भोपाल में लगातार छिड़काव हो रहे हैं और जो लोगों के घरों में डेंगू का मच्छर मिला है वो कूलर में मिला है और कुछ जगह जो पानी की टंकी भरी हुई रखी थी उसमें मिला है। दवाई भी डाली है और भोपाल नगर निगम पूरी तरह से काम करके हर जगह पर छिड़काव भी कर रहा है, लोगों के घरों में भी छिड़काव कर रहा है, जहाँ शिकायत मिल रही है वहाँ पर भी जा रहा है और भोपाल की जनता से बार बार आग्रह नगर निगम कर रहा है कि अपने घरों में जो बहुत दिन का पानी भरा हुआ है उस पानी को खाली करें।